बनता है। हाँ देखिए, अगर सपोज दैट परचेज ऑर्डर कोई बना रहा है, उसका अलर्ट हमें जो जीआरपीओ बनाता है उसको देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका टेबल देखिए क्या जाता है, परचेज ऑर्डर का जो टेबल जाता है यहाँ पे, ये परचेज ऑर्डर का टेबल देखेंगे तो OPOR जाता है, ठीक है। और इसका टेबल क्या जाता है, POR1 जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे OPOR टेबल नंबर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब अलर्ट जो देना है उसको क्या इन्फॉर्मेशन देना है ये डिफाइन करते हैं। तो आप जो अलर्ट जीआरपीओ बनाएगा उसको क्या देना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर देंगे कि भाई ये परचेज ऑर्डर का डॉक्यूमेंट नंबर है और इस डेट में बना है, अब इसका तुम MRN करो, यही तो आप उसको अलर्ट देंगे, ठीक है। या फिर आइटम भी अगर देना है कि भाई ये आइटम है तो आप इसमें POR1 जो है टेबल वो उठा लीजिए, ये क्या है, डिटेल टेबल है परचेज ऑर्डर का, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इस पे आ जाएंगे, ये क्या होगा डॉक्यूमेंट नंबर, ये हो गया परचेज ऑर्डर। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर के बाद आप डालिए उसको डॉक्यूमेंट डेट, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट डेट है, पोस्टिंग डेट को ही डॉक्यूमेंट डेट बोलते हैं, ये डॉक्यूमेंट डेट, ठीक है। उसके बाद तीसरा में क्या करेंगे कि कार्ड, वेंडर का कोड या वेंडर का नाम चाहिए, वेंडर का कोड उठा सकते हैं, ठीक है, उसका नाम ले सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आइटम जो उसमें आइटम जो जा रहा है, आइटम नंबर या आइटम डिस्क्रिप्शन ये ले लिया, इसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो अभी क्या है, कोई डेटा नहीं है परचेज ऑर्डर पे, इसीलिए कुछ भी नहीं आया है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसको हम सेव कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, हम सेव एज करेंगे, ठीक है। और सेव करके हम एक अलग सेक्शन बना लेते हैं इसमें, ये जो हमारा यहाँ पे डालते हैं FMS करके, आप यहाँ पे डाल दीजिए FMS एड, इसको मैंने एड कर दिया, ठीक है, ये FMS नीचे आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ओके कर देते हैं। अभी इसको अब इसको असाइन करना, डाउन ये सारे ग्रुप आप असाइन करना, यहाँ पे नाम लिखिए, अब इसमें आप इस जो ये जो क्वेरी है इसको आप सेव कर लीजिए, ये हो गया। अब इसको करने के बाद आप क्या कीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए FMS आ गया ना, अब यहाँ पे ले लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद इसको आप डाल दीजिए PO अलर्ट क्यूरी, ठीक है, PO अलर्ट PO अलर्ट के नाम से कर दीजिए, इसको आप सेव कर दिए। सेव करने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए, क्लोज किया। अब आप कहाँ आएंगे, यहाँ पे आ गए और लिखेंगे अलर्ट मैनेजमेंट, ये सेटअप में होता है, अब ढूंढने उतना कौन जाएगा, आप यहाँ पे लिखिए, आइए। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक्शन है ना, इस पे आएंगे और क्रिएट अलर्ट यूजर अलर्ट, ठीक है। अब इसमें जितने भी यूजर आपके बने होंगे सारे यूजर यहाँ पे दिखेंगे, मेरा मैनेजर यूजर है, ठीक है, तो मैं इस पे अलर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। ये अब पूछ रहा है कि कितना देर पे अलर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि 1 मिनट में, every 1 मिनट में, आप 2 मिनट 10 मिनट जो भी लगाएंगे आप यहाँ पे वो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओपन सेव्ड क्यूरी, आप कहाँ पे सेव किए थे, FMS पे सेव किए थे, तो इसको आप सेलेक्ट कर लो, इसको ओके किया। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए कि PO अलर्ट, PO प्योर, अब इसको आप एक्टिव कर दें, ठीक है। एक्टिव करने के बाद ये हो गया, अब जैसे ही आप ऐड कर दीजिए इसको, इसको ऐड कर दिया, अब ये आपका अलर्ट लग गया, ठीक है। अब इसको आप देखेंगे, इसको कैंसिल कीजिए, आपको यहाँ पे दिखा रहे, ये देखिए ये अलर्ट बन गया, ये अलर्ट हो। जैसे ही अब क्या होगा, मेरे यहाँ पे कोई परचेज ऑर्डर बनेगा तो मैं अगर GRPO बना रहा हूँ तो मेरे को क्या होगा, वो अलर्ट आएगा। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ से कोई वेंडर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे वेंडर लिया, यहाँ पे मैंने कोई आइटम सेलेक्ट किया आरएम में से, कोई लिया, ये आपका देखिए GST वगैरह सब साथ में आ रहा है अपने आप, हमें कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैंने बनाया,
ये अभी मैं सैंपल के लिए अभी पूरा कराऊंगा परचेस साइकिल, बस ये अलर्ट दिखाने के लिए अभी बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए HSN कोड वगैरह एवरीथिंग आ रहा है, जो हमने डेवलपमेंट किया था वही चीज़ें यहाँ पे रिप्लीकेट, HSN कोड आ गया, ब्रांच आ गया, ठीक है एवरीथिंग आ रहा है। तो हमें अब क्या करना है, इसको अगर फ्रेट आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ पे आप फ्रेट लगाएं। ठीक है, तो फ्रेट में शायद अकाउंट हमने सेटअप अभी नहीं किया इसीलिए इसमें नहीं दिखा रहा है, जब अकाउंट सेटअप हो जाएगा तो दिखाएगा, तो उसको कल हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। इसको ऐड करते हैं,